आप सभी को नमस्कार। योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। हमारे प्राचीन भारतीय योग शास्त्रों में मुद्रा विज्ञान का विशद वर्णन है। मुद्रा तंत्र एवं हठ योग के ग्रंथों में आसन, प्राणायाम एवं बंध के उपरांत श्रेष्ठतम गुप्त विद्या मुद्रा विज्ञान का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में आज हम आपके समक्ष नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा की विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा के अंतर्गत दो शब्द हैं इसमें, नमस्कार और मुद्रा। तो सबसे पहले हम यह समझें कि मुद्रा का क्या अर्थ है, मुद्रा कहाँ से आई है और इसकी परिभाषा क्या है। तो मुद्रा हमारे योग के प्राचीन ग्रंथ हठ योगिक ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें हमारे जो गुरु हैं गोरखनाथ जी, नरसिंद्रनाथ जी, उन्होंने मुद्रा का अर्थ बताया है आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति। वस्तुतः मुद्रा संस्कृत के मुद धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता, आंतरिक प्रसन्नता। इसका वर्णन तंत्र शास्त्र में भी उल्लेखित किया गया है। तंत्र शास्त्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, स्वपज्ञ परिमल में कहा गया है, मुदम राति ददाति इति मुद्रा। जो हमें आनंद प्रदान करे, जो हमें आनंद से भर दे, जो हमें आनंद की प्राप्ति कराए, उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नमस्कार की। नमस्कार की यदि हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द होते हैं, नमः धन कार। नमः का अर्थ होता है प्रणाम और कार का अर्थ होता है बनाने वाला। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसे हम कार कहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी गढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, हम सृष्टि को बनाने वाले जो हमारे और आप सभी के अंदर विद्यमान परमात्मा अंश जो आत्मा है, हम आप सभी को, उन सभी को, आत्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम उस ईश्वर के ईश्वरत्व को प्रणाम करते हैं। यौगिक ग्रंथों में कहा गया है घेरण संहिता में, मुद्रया स्थिरता चैव, अर्थात मुद्रा से सर्वप्रथम मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। इससे मानसिक शांति तथा चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से संतुलित होता है, हमारा बायां मस्तिष्क तथा दायां मस्तिष्क, राइट हेमिस्फीयर तथा लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो मस्तिष्क हमारे अखरोट की भांति हमारे खोपड़ी के अंदर निहित होता है, मुद्रा, नमस्कार मुद्रा हमारे मस्तिष्क को बैलेंस करती है। साथ ही इसके और लाभ देखें तो नमस्कार मुद्रा जब हम करते हैं तो किसी व्यक्ति के भीतर यदि अत्यधिक क्रोध के भाव आते हैं और वह नित्य प्रति नमस्कार मुद्रा को करें तो उसके क्रोध के भाव भी कम होते चले जाते हैं और उसके भीतर आंतरिक प्रसन्नता का विकास होता चला जाता है और विनम्रता का विकास भी होता चला जाता है। साथ ही हम जब अनाहत चक्र पर इसको करते हैं तो हृदय की विशालता भी बढ़ती चली जाती है। मुद्रा के अंतर्गत पंच तत्वों का संतुलन होता है, जैसे हमारा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। इन पांच तत्वों में संतुलन स्थापित करता है नमस्कार मुद्रा। साथ ही नमस्कार मुद्रा से पंच प्राणों में संतुलन स्थापित होता है। यौगिक ग्रंथों में यह पंच प्राण हैं, प्राण,
अपान, उदान, समान और व्यान, ये शरीर में पंच प्राण स्थित है। साथ ही यदि हम नमस्कार मुद्रा के लाभ देखें तो नमस्कार मुद्रा 72,000 नाड़ियों में प्राण प्रवाह का संतुलन स्थापित करती है। जब हम नमस्कार मुद्रा लगाते हैं तो एक्यू बिंदु के दबाव द्वारा हमारे साइनस क्षेत्र व मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आपका हृदय मजबूत बनता है। दोनों हाथों को मिलाकर हृदय के पास रखने से अनाहत चक्र की सक्रियता बढ़ती है। चित्त शांत व स्थिर होता है। हृदय में पुष्टता आती है, निर्भीकता बढ़ती है, साथ ही इससे सकारात्मकता बढ़ती है। दिन भर आपका मूड बहुत ही अच्छा बना रहता है। नमस्कार मुद्रा को इस विधि से करें। सर्वप्रथम सहज सरल आसन पे बैठें। वयोवृद्ध जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वे बिना पैर क्रॉस किए कुर्सी पर सीधी कमर करके बैठें। दोनों हाथों को धीरे से मिलाकर अपने हृदय के पास रखें। ध्यान रहे दोनों हाथों की बराबर की उंगलियां आपस में मिले हुए हों, अर्थात दोनों छोटी उंगलियां, दोनों अनामिका उंगलियां, दोनों मध्यमा उंगली और दोनों तर्जनी उंगली के साथ दोनों अंगुष्ठ आपस में जुड़े हुए हो। स्थिर शरीर तथा शांत चित होकर बैठे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, श्वास के प्रति सजगता बनाए रखें। सहज क्रम में श्वास रोककर पुनः छोड़ें। हमारे हाथों की पांचों उंगलियां पंच तत्व व पंच प्राणों का प्रतीक प्रतिनिधित्व है। भाव करें हमारे शरीर में विद्यमान पंच तत्व व पंच प्राण संतुलित हो रहे हैं। हमारा शरीर मन व अंतःकरण शांत शिथिल स्वस्थ होता जा रहा है। संकल्प करें मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी। मैं प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। इस क्रम को 5 मिनट से प्रारंभ कर 15 मिनट तक बढ़ाएं। इसी क्रम को यदि हम सुबह या सायं रात्रि शयन के समय करना चाहें तो हम इस प्रकार से करें। प्रातः बिस्तर से उठते ही सर्वप्रथम दोनों हाथों को सहज क्रम में जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने हमें आज का एक नया जीवन दिया है। मेरा आज का दिन आनंद व प्रेम से भरा हुआ गुजरे। इस जीवन के लिए कोटिशह नमन। ऐसे ही रात्रि में शयन के लिए जब बिस्तर पर जाएं, तो अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लगाकर परमात्मा को अपने पूरे दिन के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने पूरे जीवन का आनंद उठाने के लिए बार बार कृतज्ञता व्यक्त करें। धन्यवाद। आपको कोटिशः बार बार नमन प्रणाम। इस प्रकार हमने नमस्कार के विभिन्न अर्थ, उसका विधि, इन सभी को समझा जाना। नित्य प्रति हम इसे करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। इसी के साथ यह नमस्कार मुद्रा पूर्ण होती है। यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो आप इसे जरूर करें नित्य प्रति। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।